रीवा जिले की जनेह पुलिस ने यूपी और एमपी के गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 1,00,000 कीमत का गांजा किया गया जब्त। साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में उपयोग किए जाने वाली बेलोरो को भी पकड़ा। पकड़े गए गांजा तस्करों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस जनेह थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर बेलोरो वाहन से गांजे की खेप लेकर थाना क्षेत्र के खबरा खुर्द स्थित केसर के पास आ रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने एसडीओपी चौथर समरजीत सिंह को इसकी सूचना दी और एक पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने बोलेरो वाहन में गांजा लेकर आए अभिलाष तिवारी उम्र 30 वर्ष, बबलू रावत उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम पटपरा थाना कमरजी जिला सीधी, और युवराज सिंह उम्र 24 वर्ष, हिमांशु सिंह उम्र 22 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम बड़ोखर थाना कोराव जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 10 किलो 980 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,00,000 रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी जनेह अनुराग अवस्थी, उप निरीक्षक राहुल सोनकर सहित जनेह थाने की पुलिस टीम शामिल रही। प्रस्तुत है घटना के संबंध में डीआईजी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। कल रात्रि में थाना जनेह अंतर्गत एक बोलेरो गाड़ी में 10 किलो 900 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 4 आरोपी उसमें भी राउंड अप हुए हैं, उनका बैकग्राउंड पता किया जा रहा है, पिछला रिकॉर्ड भी उनका संबंधित जहां वो निवासी हैं वहां से ज्ञात किया जा रहा है। और अभी एक टीम हमारी पूरी इसको फॉलो कर रही है कि इनका चेन कहां से था और पूर्व में भी इनका कोई रिकॉर्ड है तो उसके आधार पर और कार्रवाई भी हम लोग प्लान अभी करेंगे। सर कितनी मात्रा की गांजा? 10 किलो 980 ग्राम के आसपास गांजा ही प्राप्त हुआ है। बोलेरो वाहन अभी तक की जानकारी में उन 4 आरोपियों में से एक आरोपी के नाम है, उसका पीछे चेन निकाला जाएगा, उन्होंने इसको कहां से खरीदा है और क्या इसका उपयोग कहीं और भी पहले अपराध में किया है